बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर कल शाम जिस तरीके से हमला किया गया, इस हमले में आपको बतला दें पटना गया मार्ग पर गौड़ीचक के सहयोगी गांव में हमले के दौरान गाड़ी के शीशे टूट गए। काफिले में शामिल 3 से 4 वाहनों के शीशे टूट गए, जिसके बाद आपको बतला दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में शामिल सुरक्षाकर्मी काफिले में मौजूद थे, जिस दौरान यह पूरा हादसा हुआ। बतला दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां आज गया रबर डैम का निरीक्षण करने पहुंचने वाले थे, जिले में सूखे की स्थिति पर बैठक भी होनी थी, तो वहीं आपको बतला दें इसे लेकर के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गया पहुंचने वाले थे और उनके काफिले में शामिल वाहन गया में उनके स्थानीय आंदोलन के लिए पहुंच रही थी। वहीं यह वाहन एक दिन पहले ही जहां गया पहुंचने वाली थी, तभी भीड़ ने इस वाहनों पर हमला कर दिया, जिस दौरान आपको बतला दें कि 3 से 4 वाहनों के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद आपको बतला दें कि 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने काफिले पर हमला किया, पथराव किया। जल्द ही एक पुलिस बल को इलाके में भेजा गया और फिर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, जिसके बाद 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।